पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा, पेट्रोल 13.55 रुपए फी लीटर महंगा, नई कीमत 272.89 रुपए फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 2.75 रुपए फी लीटर महंगा, कीमत 278.96 रुपए फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर आला पंजाब का एक और बड़ा फैसला, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के वादे पर कायम, पंजाब में 3 MPO के निफाज में तौसी की तजवीज मुस्तरद, उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम में रुकना नहीं डाला जाएगा। काबीना ने इत्तेफाक राय से तजवीज को मुस्तरद कर दिया। आमिर मीर कहते हैं कि 8 फरवरी को आजादाना इलेक्शन होगा। आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल, पंजाब में 6 फरवरी से 9 फरवरी तक तालीमी इदारे बंद, वजीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दी, बच्चों की मौजें हो गई। 5 फरवरी को यौमे कश्मीर की छुट्टी भी साथ मिल गई, पूरे 5 दिन घर पर आराम करेंगे। स्कूलों के औकात-ए-कार में भी 3 फरवरी तक तौसी, स्कूल सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। मौसम की शिद्दत के बाइस तौसी दी गई। सरतान के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा, पंजाब के मोहसिन ने बड़ी खबर सुना दी। सरकारी सतह पर पहला कैंसर अस्पताल ऑपरेशनल, मोहसिन नकवी ने मनावा में म्यू कैंसर केयर अस्पताल का इफ्तिताह किया। कैंसर अस्पताल 110 बिस्तर पर मुश्तमिल, तादाद 1000 बेड तक ले जाने के अजम का इजहार। वजीर आला ने कीमोथेरेपी और सर्जरी का निजाम देखा। कैंसर अस्पताल के इंतजामी और माली उमूर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के सपोर्ट। मोहसिन नकवी ने कहा कि कैंसर केयर अस्पताल पर 3 अरब लगा दिए, 8 अरब मजीद देंगे। बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर्स को ओनरशिप लेना होगी। जो कहा वो कर दिखाया, मोहसिन नकवी ने एक और वादा निभाया, पुलिस के लिए GOR का तोहफा। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बेदियां रोड पर संगे बुनियाद रखा, वजीर आला ने क्रेन के जरिए तामीराती सरगर्मियों का आगाज किया। पुलिस के लिए 313 घर बनेंगे, कुर्बान लाइंस में भी पुलिस के लिए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जल्द मुकम्मल करके फैमिलीज के हवाले किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस हमारा हर अव्वल दस्ता है, उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। थानों को खेमों से उठाकर अपनी इमारत में मुंतकिल किया, IG पंजाब समेत दीगर शख्सियात भी तकरीब का हिस्सा थी। लाहौर में रात गए बारिश से मतला साफ हो गया, धुंध छट गई, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहर का दर्जा हरारत 12 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, हवा में नमी का तनासुब 94% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते मजीद बारिश की पेशगोई। IG पंजाब उस्मान अनवर की जेर सदारत अजलास, इलेक्शन की सिक्योरिटी और पोलिंग के सामान की महफूज तरसील पर बात, सुबह भर के अफसरान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत, इंतजामात पर ब्रीफिंग। लेस्को का बैंकर्स हाउसिंग सोसाइटी में ऑपरेशन, मुतादद मुकामात पर लाखों की बिजली चोरी पकड़ी गई, हुकाम ने कनेक्शन काट दिए, 55 लाख के डिटेक्शन बिल भी चार्ज। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, जौहर टाउन बाबरा टाउन में कार्रवाई, 14 गैर कानूनी इमारतें मिसमार, कुछ को सील किया गया। गैर कानूनी इमारतों का ड्रोन सर्वे भी मुकम्मल, फुटेज जोनल अफसरान को इरसाल। महकमे बल्दियात ने गैर कानूनी बिल्डिंग्स को जियो टैग भी लिया। वक्त कम मुकाबला सख्त, NA 128 से उम्मीदवार ओम चौधरी की वोटर से मुलाकात, गढ़ी शाहू में तकरीब, तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट का ओम चौधरी को इशाया, लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ओम चौधरी ने 5 इंतखाबी दफ्तर का भी इफ्तिताह किया। मजंग में माजिद जहूर, इश्तियाक अहमद लून, हनीफ खान से मुलाकातें। मून मार्केट फैसल टाउन में IPP का इंतखाबी दफ्तर खुल गया, उम्मीदवार PP 161 उमर सोहेल जियाबट ने जलसे से खिताब किया। NA 117 से उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम, सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीब का पराचा कॉलोनी शाहदरा का दौरा। मुस्लिम लीग नून भी मैदान में आ गई, PP 155 से नून लीग के उम्मीदवार मुतहरिक, नईम शहजाद भट्टी की खवातीन वोटर्स के साथ मुलाकातें, कैंट के इलाके हुसैनाबाद में मीटिंग, राना आसिफ, मोहम्मद अबूबकर, फैसल भट्टी, हमाद मुगल, मलिक जहीर हमरा थे। उम्मीदवार PP 150 से उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नजीर की इंतखाबी मुहिम, शाइस्ता परवेज, मलिक मिर्जा, अरशद बेग, लियाकत भट्ट, मसूद इब्राहिम, सैयद रजाक शाह ने शिरकत की। शाइस्ता परवेज ने वोटर्स को पार्टी मंशूर का बताया। NA 120 और PP 155 में नून लीग की इंतखाबी मुहिम, उम्मीदवार कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और नईम शहजाद भट्टी का इजहार ख्याल। NA 126 से उम्मीदवार सैफुल मुल्क खोकर की वैलेंशिया में बैठक, हाजी अशफाक
मियां नईम मलिक अरशाद ने शिरकत की। NA 127 में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा कि 8 फरवरी को आवाम का फैसला बिलावल के हक में होगा। PP 162 से उम्मीदवार मलिक मंजर अब्बास खोखर की इंतखाबी मुहिम। शहला रजा, रजा रब्बानी, अली बदर हमरा थे। उधर NA 128 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अदील मुहीउद्दीन की इंतखाबी मुहिम। गार्डन टाउन में कॉर्नर मीटिंग। PP 161 के उम्मीदवार फैसल मीर, हाफिज गुलाम मुहीउद्दीन हमरा थे। NA 125 और PP 165 ड्राइवन में इकट। मलिक मोहम्मद अफजल खोखर, शहजाद नजीर संधू ने इजहार यकजहती किया। नून लीगी उम्मीदवारों को भी भट्टी चौक से बग्गी पर बिठाकर जलसागाह तक लाया गया। चौधरी शहजाद नजीर संधू की ड्राइवन में अराई बरादरी से मुलाकातें। मुअज्जिज़ीन ने वोट का यकीन दिलाया। जमात इस्लामी का अजम इनकलाब कारवां। लियाकत बलोच अहमद सलमान बलोच ने क्यादत की। कलमा चौक तक चक्कर लगाया। इकबाल टाउन में जमात इस्लामी का जलसा। PP 169 के उम्मीदवार अहमद सलमान बलोच ने शिरकत की। लियाकत बलोच, राना अब्दुल गफ्फार, इफ्तिखार चौहान का इजहार ख्याल। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम। PP 169 से आजाद उम्मीदवार मियाँ महमूद रशीद की मुहिम जारी। NA 129 से उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की मुहिम तेज। उधर उम्मीदवार NA 127 हुकूक खल्क पार्टी अम्मार अली जान की इंतखाबी सरगर्मियां। हमदानी कॉलोनी में डोर टू डोर मुहिम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का सेंट्रल जेल का दौरा। कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। IG जेल फारूक नजीर ने कैदियों की फलाह बहबूद का बताया। जाहिद अख्तर जमान ने अस्पताल, वोकेशनल सेंटर, फूड इंस्पेक्शन रूम का मुआयना किया। चीफ सेक्रेटरी ने कैदियों के तैयार करदा कालीनों के मियार को भी सराहा। पाकिस्तान कस्टम्स में भी बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। ग्रेड 19 से 21 तक के 46 अफसर तब्दील। ग्रेड 21 के रुबाब सिकंदर चीफ कलेक्टर इन्फोर्समेंट लाहौर तायुनात। मोहम्मद सादिक चीफ कलेक्टर अप्रेसमेंट पंजाब लाहौर मुकर्रर। मुनीब सरवर, जायरा खैदर, महरीन नसीम को भी नई जिम्मेदारियां तफवीज की गई। उधर FVR में ग्रेड 20 के अफसरान के तकर्रो तबादले। नईम बाबर, वसीम हयात, अब्दुल जवाद और शगुफ्ता जरीन को जिम्मेदारियां तफवीज की गई। सूबाई वजीर सनत और तजारत SM तनवीर की जेर सदारत इजलास। अजफर अली नासिर, मंसूर कादिर ने शिरकत की। दरामदी चीनी की अदायगी का जायजा लिया। गवर्नर पंजाब अली गुररहमान से सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन ने मुलाकात की। महर अक्रम उर्फ काला पहलवान ने गवर्नर को फने पहलवानी के फरोग के लिए इकदाम का बताया। मुलाकात में सदर पंजाब कल्चरल विंग ताहिर अंजुम हमरा थे। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर टाउनशिप में तकरीब। साल 2023 में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम। DIG लियाकत अली मलिक ने इनामात और सर्टिफिकेट दिए। जनूबी एशिया सियासत में असरी रुझानात पर बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस। अदीब फरूक सुहेल, सीनियर सहाफी सलमान गनी, सलमान आबिद ने शिरकत की। डॉक्टर निजामुद्दीन, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता का इजहार ख्याल। G1 मार्केट के 9 मुंतखब ओहदेदारान की हल्फबरदारी। इत्तेफाक ग्रुप के 9 मुंतखब चेयरमैन आसिम सलीम, सदर मलिक फैजुल हसन ने हल्फ उठाया। मजहर हुसैन गोंदर, शेख याकूब, जवाद कम्बो, इमरान सुल्तान गुज्जर ने शिरकत की। नई मीर इरफान इकबाल शेख भी आए।